हम इसको आराम से पलटेंगे। अरे वाह, नहीं तो ये टूट जाएगा। नमस्ते, देसी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हमने पोहे का चीला बनाया है, देखिए कितना अच्छा और लजीज बना हुआ है। अगर आपको इस तरह से बनाना है तो चलिए बनाते हैं। आज हम पोहे का नाश्ता बनाने जा रहे हैं। इसको पोहा हमने कम से कम 20 मिनट भिगो के रख दिया था, इस तरीके से हो जाएंगे। इसको हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। दस मिनट पहले ये रवा भिगो दिए थे, चलिए इसको पीस लेते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे, पोहा में जो रवा हम भिगो के रखे थे उसको डाल देंगे। दही, दो चम्मच शिमला मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, तड़का देंगे में थोड़ा सा तेल। हम तड़का इसलिए देंगे क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा बढ़ेगा और चिल्लों से थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए हम इसको तड़का देना। एक से दो चम्मच तेल, एक चौथाई जीरा, इसमें प्याज डाल देंगे, इसमें हरा मिर्चा, नीम की पत्ती, मीठी नीम, ये मूंगफली हमने भून के पीस लिया है मूंगफली, अब इसमें डाल देंगे। मूंगफली हमने लगभग एक मुट्ठी ली थी, बहुत ही सब डालने से पोहा का नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कुकिंग से रिलेटेड न्यू वीडियो देखने के लिए। में डाल दूँ तड़का।
इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे कायदे से, तो ये मूंगफली दाना और पोहे में अच्छे से मिल जाएगा। एक चौथाई चिली फ्लेक्स, नमक स्वादानुसार, धनिया डाल देंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें एक चम्मच हल्का सा डाल देंगे, चिल्ले को बहुत आराम से पलटें, जल्दबाजी ना कीजिए नहीं तो ये टूट सकता है। एक तरफ जब सिक जाए तभी पलटें, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। चिल्ला बन के तैयार हो गया है, अब इसे घर पे बनाइए, खाइए, खिलाइए सबको। कोई कमी लगे तो बताइए कि क्या इसमें कमी है, या टेस्ट है, टेस्टी बनी है या नहीं बनी है। अच्छा लगा है तो बताइए, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, बाय।